सर हमें बताइए, कुरान पाक में अल्लाह ताला को क्या बताया, साकार या निराकार? बिल्कुल निराकार बताया है। उनका ये क्वेश्चन है कि अल्लाह जो है वो निराकार है, मतलब कि जी उनका कोई आकार नहीं है, या साकार है, साकार मतलब कि जिसका कोई आकार होता है, वो हमसे वो सवाल कर रहे हैं। तो अल्लाह कौन है इसके ऊपर अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी मुस्लिम से आप पूछेगा कि अल्लाह कौन है, तो सबसे अच्छा डेफिनेशन, सबसे अच्छा जो परिभाषा जिसको हिंदी में बोलते हैं, सबसे अच्छा जो वो बताएगा आपको अल्लाह के बारे में, वो आपको कुरान का, इस कुरान का सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 आपको कोट कर सकता है, जो चार लाइन का है, सिर्फ चार लाइन का सूरह है, उसमें अल्लाह कौन है बताया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अकेला है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, मतलब कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इनडिपेंडेंट है, सबसे एब्सोल्यूट एंड इटर्नल है। लम यलिद वलम युलद, वो किसी को जनते नहीं है, नाइदर ही बिगेट्स नॉर इज ही बिगॉटन, और वो किसी से जने हुए नहीं है। और चौथा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उनकी जैसी कोई भी चीज नहीं है, आपका इमेजिनेशन, आपकी सोच, आपकी समझ, आपका ख्याल उन तक नहीं पहुंच सकता कि वो कैसा है। तो इस ये हम लोग कंपेयर नहीं कर, इंग्लिश का ट्रांसलेशन कहता है एंड नथिंग इज कंपेरेबल अनटू हिम, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते उनको, आप कंपेयर तक उनको कर नहीं सकते कि इस चीज का 50,000 गुना ज्यादा या इस चीज का 60,000 गुना ज्यादा अल्लाह ताला है, तो आप उसको कंपैरिजन में भी नहीं डाल सकते। तो अगर आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह साकार है या अल्लाह निराकार है, तो जाहिर सी बात है कि अगर साकार जो हम आप जो भी आकार समझते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला कैसे है। अगर आप निराकार का मतलब सोचते हैं कि अल्लाह ताला ये लाइट के जैसा होगा, फिर आप लाइट से कंपेयर कर दिए उनको या हवा से कंपेयर कर दिए, तो वो भी अल्लाह ताला नहीं, आप नथिंग इज कंपेरेबल अनटू हिम, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। और यही और स्क्रिप्चर्स अगर आप दूसरे धर्म ग्रंथ भी पढ़िएगा, और भाई जो ये सवाल कर रहे हैं, अगर आप चंदोग उपनिषद पढ़िएगा, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स 1 नंबर 1 में, एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है। उसी तरह लिखा हुआ श्वेता सूत्र उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में, के नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। लिखा है यजुर्वेद में 32वां अध्याय का 3रा श्लोक में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं, कोई भी अक्ष नहीं, कोई भी इमेज नहीं, कोई भी आइडल नहीं। उसी तरह लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते, वो लोग अंधेरे में प्रवेश करें जो असंभूति यानी कि नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं, और उससे ज्यादा अंधेरे में वो जा रहे हैं जो संभूति यानी कि बना के चीजों को पूजा करते हैं। मैं रेखा व्यास का तर्जुमा पढ़ रहा था, रेखा व्यास एक ट्रांसलेटर है वेद की, जो जिसका ट्रांसलेशन आपको अमेजोन पे भी मिलेगा। वो लिखते हैं कि जो भी सृजन की पूजा करते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा अंधेरे में जा रहे हैं। और सृजन का मतलब होता है, क्योंकि मुझे भी उतना हिंदी आता नहीं, तो मैंने किसी अपने भाई से पूछा सृजन क्या होता है, तो वो बोले कि सृजन का मतलब होता है किसी भी चीज को बना के उसको पूजना। अगर आप बाइबल पढ़िएगा, तो बाइबल में भी यही मैसेज आपको मिलेगा डिटरोनमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, कि शमा इज़राइलियो एडोनाई इला हैनो अदनाई खत, सुनो इसराइल हमारा प्रभु एक ही प्रभु है, मूसा कहते हैं बाइबल में। उसी तरह जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, वही चीज, शमा इज़राइलियो एडोनाई इला हैनो अदनाई खत, सुनो इसराइल हमारा प्रभु एक ही प्रभु है, हियर इसराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। और आइडल वर्शिप की मतलब कि अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो बाइबल इतना स्ट्रिक्ट है, बाइबल में लिखा हुआ है एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3-5 में, कि दाउ शैल हैव नो गॉड बिसाइड्स मी, दाउ शैल नॉट मेक अनटू देम दी एनी ग्रेवन इमेज और एनी लाइकनेस दैट इज इन द हेवंस अबव और द अर्थ बीनीथ और द वाटर अंडरनीथ द अर्थ, कि आपको किसी भी चीज की मूर्ति नहीं बनाना, ना कि जो आसमान में चीज हो, ना कि जो जमीन पे हो, ना कि पानी के अंदर की चीज हो, दाउ शैल नॉट सर्व देम नॉट बाउ डाउन टू देम, कि आपको उनकी पूजा नहीं करना है, उस चीजों को बना करके ना ही उनके सामने झुकना है। ये है बाइबल बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3-5, यही मैसेज है बुक ऑफ डिटरोनमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7-9 में। तो ये चीज आपको मिलेगा और भी धर्म ग्रंथ में भी मिलते हैं, और कुरान एकदम क्लियर है इस मैटर में कि आपको ईश्वर अल्लाह का कोई भी इमेज नहीं बनाना, आपको अल्लाह किस तरह है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है, लैसा कमिस्लिही शैयन, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शुअरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में, कि उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। तो जहां भी अगर आप ये सवाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखा यूट्यूब के ऊपर जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के हाथ के बारे में कुरान में है, या कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला
के चेहरे के बारे में या और भी किसी चीज के बारे में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला के हाथ का जिक्र आ रहा है या अल्लाह ताला के चेहरे का जिक्र आ रहा है कुरान में, तो ये क्यों है? तो क्योंकि कुरान को हमको पूरा समझना होगा। अगर हाथ का या चेहरे का जिक्र आ रहा है तो वो कैसा है? लैसा कमिस्लिहि शयअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। तो कुरान को हमको अगर समझना है तो ऐसा नहीं कि एक लाइन को समझेंगे, दूसरा को नहीं समझेंगे, दूसरा को लेंगे नहीं। तो अगर कुरान को आपको समझना है, इस्लाम को समझना है, तो पूरा कुरान को आपको पढ़ना होगा ये समझने के लिए कि अल्लाह किसी के जैसे नहीं है। और अल्लाह, जब हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह का कोई मिसाल नहीं है, साकार और निराकार को छोड़ करके हम लोग कहते हैं कि अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है और अल्लाह जैसा कोई भी नहीं है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अल्ला, 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 अल्ला,